दिल्ली में 25 जनवरी को स्कूल बस के ड्राइवर को गोली मारकर अगवा किया गया 5 साल का मासूम बच्चा, उसे दिल्ली पुलिस ने छुड़ा लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बच्चे को छुड़ाया गया। 28 जनवरी को बच्चे के घर फोन कर बदमाशों ने 60 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना के 12 दिन बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बच्चे को छुड़ाया है और अब बच्चा सुरक्षित अपने परिवार के साथ है। तो 5 साल का मासूम स्कूल बस में था जिस वक्त स्कूल बस को बदमाशों ने रुकवाया, स्कूल बस के ड्राइवर को गोली मारी और बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से आज इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी देने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पुलिस की तरफ से बताया गया 3 बदमाश थे, नितिन, रवि, पंकज। महिला की आवाज बनाकर फिरौती परिवार से मांग रहे थे और अब पुलिस को एक आंटी की भी तलाश है। इस पूरे मामले में किसी महिला के होने की भी आशंका पुलिस को है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 25 जनवरी को अगवा हुआ था 5 साल का मासूम बच्चा। पुलिस ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब पुलिस ने बताया किस तरीके से इस मामले को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली, उस वक्त पुलिस की तरफ से मीडिया की भी तारीफ की गई कि मीडिया ने मामले की जो संवेदनशीलता थी उसे समझा, इस मामले को नहीं उठाया और इसी वजह से पुलिस को कामयाबी मिली बदमाशों को धर दबोचने की। तीनों जो किडनैपर हैं वो पुलिस की तरफ से बताया गया दिल्ली के ही रहने वाले हैं, गोकुलपुरी इलाका दिल्ली का, वहां के रहने वाले तीनों। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश शामिल थे, नितिन शर्मा, रवि और पंकज। 60 लाख रुपए की फिरौती परिवार से मांग रहे थे। कुछ ही दिन पहले परिवार की एक डील हुई थी जिसमें परिवार को करीब 57 लाख रुपए मिले थे और ऐसे में पुलिस इस आशंका से इनकार नहीं कर रही कि किसी जान पहचान वाले की टिप मिलने से ही इस घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बताया गया कि इससे पहले भी यही बदमाश बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर चुके थे लेकिन तब नाकाम रहे थे और आखिरकार बदमाशों को 12 दिन पहले बच्चे को अगवा करने में कामयाबी मिली। तो गोकुलपुरी के रहने वाले किडनैपर्स तीनों दिल्ली के रहने वाले, एक का नाम नितिन शर्मा, एक रवि, एक पंकज, और इस फिराक में थे कई दिन से कि बच्चे को किडनैप करें। आखिरकार बच्चा जब स्कूल बस में था तो 2 बदमाश जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, उन्होंने स्कूल बस को रुकवाया, स्कूल बस के ड्राइवर को गोली मारी और बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गए। फिर बच्चे को एक फ्लैट में छिपा कर रखा गया। पूरे इस अपहरण की कहानी पुलिस की जुबानी सुनिए। बाप, 25 जनवरी की सुबह एक घटना हुई शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक करीब 5 साल के बच्चे को, जब वो स्कूल जा रहा था तो 2 लोगों ने मोटरसाइकिल पे सवार होके और स्कूल की बस को रुकवा कर, स्कूल की बस का जो ड्राइवर था नरेश थापा, उसके पैर में गोली से वार कर और बच्चे को, जिसका नाम हम यहाँ पे रेहान बोल रहे हैं, नेम चेंज है ये, उसको किडनैप किया। और किडनैप करने के बाद दोनों लोग जो किडनैपर थे बच्चे को बीच में बैठा के वहां से फरार हुए मोटरसाइकिल पे। इस दौरान इन लोगों ने एक महिला की आवाज में, जो एक इनमें से किडनैपर ही निकालता है, बड़ा एक्सपर्ट है उसमें, महिला की आवाज में इन्होंने रैंसम कॉल मांगना शुरू किया और कंप्लेनेंट को धमकाना भी शुरू किया। क्योंकि पहले इंसिडेंट में इन्होंने आर्म्स का यूज किया था तो इस चीज का हमें आइडिया था कि ये गैंग बड़ा डेस्परेट टाइप है और ये जो यंगस्टर्स हैं इनकी लाइफस्टाइल स्टडी की गई कि फ्लैशी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं इजी मनी के लिए और जो इनके मीन्स हैं और जो इनका खर्चा है उसमें कोई मैच नहीं बनता, इट इज टोटल मिसमैच। हमारी टीम जिसमें इंस्पेक्टर विनय त्यागी और इनके साथ में कमांडो थे, उसको इनको नॉक करके इनको पहले बताया गया कि आप ये पुलिस हैं और ये आपके पास बच्चे, आप सरेंडर कीजिए। इसी दौरान अंदर से फायर हुआ, एक फायर हुआ, फिर 2 फायर हुए और फिर अंदर से ये भी आया कि भाई हम बच्चे को हम पहुंचाएंगे, पुलिस टीम यहाँ से जाए। पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और बच्चे की सेफ्टी के लिए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायर एक्सचेंज किया। हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। उनके पास से
दो 7.65 mm पिस्टल मिले, जिसमें कि बैरल होते थे काफ़ी गोलियां आती हैं और उनके अंदर गोलियां उन्होंने 5 चलाई, उसके बावजूद भी उनके दोनों चैम्बर में और भी गोलियां थी। इनमें जो दोनों को इमिजिएटली फिर टीम ने अंदर गए और बच्चे को जो अंदर वाले कमरे में डर के मारे पलंग के नीचे छुप गया था उसको निकाला। बच्चा काफ़ी डरा हुआ था, इनफैक्ट हम लोगों को देख के भी डर रहा था उसको। डॉक्टर नायक ने बिकॉज इसे इन्होंने उसको कंफर्ट थी और उसको लेके आए। दोनों लोगों को इमिडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया, GTB हॉस्पिटल, जिसमें जो रवि है और पंकज, तो रवि अनकॉन्शियस था, वहाँ आने पे डॉक्टर ने उसका इलाज किया और बाद में वो डेड डिक्लेयर किया। पंकज के पैर में गोली लगी, हमारे जो कमांडो थे उनकी भी बुलेट प्रूफ वेस्ट में गोली लगी। बच्चे को फिर मेडिकल करा के माँ बाप के सुपुर्द किया गया, इस तरह से ये ऑपरेशन पूरा हुआ। डेफिनेटली उसमें महिला का भी रोल है, उस महिला को हम लोग बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे और उसके उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन घटना कल शाम की है और चीज़ हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो लगता है कि इसमें कुछ और लोगों का रोल है, उसमें एक महिला भी हो सकती है। तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस अपहरण कांड की पूरी दास्तां पुलिस की तरफ से सुनाई गई। और देखिए, बच्चे को दरअसल गाजियाबाद के जिस फ्लैट में छुपाकर रखा गया था, वहां एबीपी न्यूज पहुंचा। हमारे संवाददाता मनोज वर्मा ने वहीं से आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। 25 जनवरी को जब पूरे देश में हाई अलर्ट था, उस दिन एक नर्सरी क्लास के बच्चे को किडनैप किया गया। दिल्ली के GTV एनक्लेव इलाके से बदमाशों ने स्कूल बस के अंदर से एक नर्सरी क्लास के बच्चे को किडनैप किया और उसके बाद फरार हो गए। इस मामले में उन्होंने ड्राइवर को भी गोली मार दी थी। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस वारदात को सुलझा लिया है। इस वक्त हम उस फ्लैट के अंदर मौजूद हैं जहां पर दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और यहां पर एक पूरा एनकाउंटर चला। आपको बता दें कि नितिन नाम का जो बदमाश है उसको दिल्ली पुलिस ने पहले पकड़ लिया था। नितिन ने बताया कि बाकी और जो बदमाश है वो इस फ्लैट के अंदर छिपे हुए हैं। जब पुलिस यहां पर पहुंची और दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने अंदर से फायरिंग कर दी। आप ये फायरिंग के निशान देख सकते हैं, ये गोलियों के निशान है, अंदर से हुई फायरिंग। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश को गोली मारी। जो गोली बदमाश को लगी उसके बाद पुलिस यहां से अंदर दाखिल हुई और बच्चे को इस वाले कमरे से, जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, बच्चे को इस कमरे के अंदर से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। 12 दिन से बच्चे को यहीं पर इस कमरे में रखा गया था। क्राइम ब्रांच के लोग अभी भी यहां पर मौजूद हैं और छानबीन में जुटे हुए हैं। इसी घर के अंदर बच्चा 12 दिन से था। आपको बता दें कि बच्चे को बहलाने के लिए बदमाशों ने टॉफी और चॉकलेट का भी इंतजाम किया था। ये देखिए, किचन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको चॉकलेट नजर आएगी, इसके अलावा टॉफियां भी यहां पर हैं। बच्चे को बहलाया जा रहा था। यहां पर देखिए, बिस्किट्स रखे हुए हैं, बच्चा परेशान ना करे इस वजह से ये सारी चीजें, तमाम चीजें यहां पर रखी गई थी। और अगर हम बात करें तो ऐसा भी फ्लैट को देखने में लगता है कि यहां पर कोई महिला भी रहती थी। उसकी वजह यह है कि यहां पर ये चूड़ियों का डब्बा एक नजर आ रहा है, तो ऐसा भी लगता है कि कोई महिला भी यहां पर बच्चे के लिए रखी गई थी। अगर अंदर के कमरे की हम बात करें तो अंदर का जो कमरा है वहां पर सामान सारा बिखरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और एक बदमाश इस एनकाउंटर में मारा गया है। आपको बता दें कि ये फ्लैट जो है सुशीला देवी के नाम पर है और 1.5 साल पहले ही इस फ्लैट को किराए पर नितिन कुमार शर्मा नाम के शख्स को दिया गया था। अब पुलिस की टीम इस जानकारी को जुटा रही है कि आखिरकार उन्होंने कैसे कैसे पूरी प्लानिंग की थी इस बच्चे को किडनैप करने के लिए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो यूसी फ्लैट से आप रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर बदमाशों ने बच्चे को अगवा करके छिपा के रखा हुआ था। बड़ी कामयाबी जो दिल्ली पुलिस को मिली है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।